चार मिसरों के साथ मैं दावत सफल हुआ मैं कि महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक वो ना आए और उजाला ना हो सका। मोहतरम जनाब दिलशाद हमरवी साहब, बड़े एहतराम के साथ मैं उनको दावत सफल लेता हूँ। उस्ताद शायर है हमारे अमरवा के, बहुत बढ़िया माइक पर वली वली दिलशाद हमरवी साहब। पहले कुछ कतार पेश करूंगा, फिर उसके बाद और चीज। मोहब्बत करके पछताओगे तुम भी, मोहब्बत करके पछताओगे तुम भी, सुकून दिल तुम्हें खोना पड़ेगा। और हमारे हाल पर मत मुस्कुराओ, तुम्हें भी यकीन होना पड़ेगा। कहता हूँ तुम्हारे होठों को खिलता गुलाब लिख दूंगा, तुम्हारे होठों को खिलता गुलाब लिख दूंगा, गजब का पाया है तुम्हें शबाब लिख दूंगा। और तुम एक बार जरा मुस्कुरा के देख लो, तुम्हारे हुस्न पे पूरी किताब लिख दूंगा। मुख्तलिफ किस्म के कथा सुना रहा हूँ मैं, अभी चूँकि शायरों की कमी है इसलिए अगर मैं मेरे कलाम कुछ ज़्यादा हो जाए तो मुझे माफ करें, वरना आप अगर बोर हो जाए तो मैं बैठ जाऊँ। जिस शहर से मेरा नाता है वो अमरोहा कहलाता है, जिस शहर से मेरा नाता है वो अमरोहा कहलाता है। और एक बार यहाँ जो आ जाए वो यही का बस हो जाता है। वतन से दूर हैं, वतन से दूर हैं लेकिन वतन को याद रखते हैं, वतन की याद से हम अपना दिल आबाद रखते हैं। वतन से दूरियाँ कैसी, वतन तो दिल में रहता है, हम अमरोही हैं हर एक हाल में दिलशाद रखते हैं। लाई हैं परदेश में मजबूरियाँ, लाई हैं परदेश में मजबूरियाँ, दिल हमारा अब भी अमरोहे में है। और हम ना अमरीकी न रूसी और ना हम दोहा के हैं, फख्र है हमको कि हम दोहा के हैं। अच्छा पूछो माहौल का मजा बदल, लुत्फ बदलने की, वो मूड बदलने की कुछ मजाइया। हालांकि मैं मजाक मिजा का शायर नहीं, मैं तो फिल्मी गाने लिखने में, लेकिन ये चीज़ें भी इसमें ज़रूरी होती है हर तरह की। मैं प्रोफेशनल चूँकि गीतकार हूँ तो 12 अपने थैले में 12 मसाले की चाट रखनी चाहिए, रखनी पड़ती है। तो मिजा ने फरमाइश हुई तो मैंने कहा है कुछ, क्या बात उसको याद बड़ी ख़ास आ गई, क्या बात या उसको याद बड़ी ख़ास आ गई, रूठी हुई जो बीवी मेरे पास आ गई। क्या बात उसको याद बड़ी ख़ास आ गई, रूठी हुई जो बीवी मेरे पास आ गई, क्यों हम पे ये करम हुआ, ये राज तब खुला जब लेके अपना कुनबा मेरी सास आ गई। जब अकल पर मेरी ताले पड़ गए, इज्जतों के मेरे लाले पड़ गए, और लाया था साला चुरा के मुर्गियाँ मेरे पीछे मुर्गी वाले पड़ गए। शादी की वर्षगांठ पर काटेंगे मुर्ग हम, शादी की वर्षगांठ पर काटेंगे मुर्ग हम, शादी के वर्षगांठ पर काटेंगे मुर्ग हम, बेगम से एक रोज़ ये बोले अली रज़ा। शादी की वर्षगांठ पे काटेंगे मुर्ग हम, बेगम से एक रोज़ ये बोले अली रज़ा। बेगम ये हंस के बोली हमारे कसूर की, मुर्गा बेचारा भुगते भला किस लिए सजा। एक और, इश्क ने बर्बाद कर डाला हमें, इश्क ने बर्बाद कर डाला हमें,
कर्ज धारक आ रहे हैं बोटियां, इश्क ने बर्बाद कर डाला हमें, कर्ज धारक खा रहे हैं बोटियां, 200 कपड़े थे मेरे संदूक में रह गई हैं, अब सिर्फ दो लंगोटियां। अब कुछ ये सियासी शेर है, शायद पसंद आए। दया धर्म से तुमको कोई काम नहीं, दया धर्म से तुमको कोई काम नहीं, तुम हो नाथूराम गोडसे काम नहीं, दया धर्म से तुमको कोई काम नहीं, तुम हो नाथूराम गोडसे काम नहीं, और बेगुनाह लोगों का जहाँ पर खून बहे ऐसी अयोध्या श्री राम का काम नहीं। और कहता हूँ राम भक्तों करो मन में चिंतन, राम भक्तों करो मन में चिंतन, और जरा अपने मन को टटोलो, जान नफरत की ईंटें लगी हूँ क्या वहाँ राम आएंगे, बोलो। अब कुछ सियासी शेर है। एक बार विनय कटियार बीजेपी का नेता है, उसने उर्दू के बारे में कुछ बहुत उल्टी सीधी बातें कही, तो उसके बारे में मैंने कहा था नफरतें फैलाए जो गद्दार है लाजमी फांसी का वो हकदार है, और हर जुबान एक इल्म है, फिर किस लिए दुश्मन उर्दू विनय कटियार है। अब ये हिंदुस्तान में मुसलमानों का जो हालात हैं उसको मैंने ज़रा उसको उनसे एक किताब किया है, मौत का अब हमें नहीं डर है, मौत का अब हमें नहीं डर है, जब हथेली पर रख लिया सर है, और हिंद अकेले नहीं तुम्हारा ही, ये हमारे भी बाप का घर है, हिंद अकेले नहीं तुम्हारा ही, ये हमारे भी बाप का घर है। और मैं कहता हूँ हम नहीं तीर से तलवार से डरने वाले, लाख मारोगे हमें, हम नहीं मरने वाले, और खोल कर कान ये ऐलान हमारा सुन लो, हम यहाँ से कोई हिरन नहीं करने वाले। अभी कुछ दिन हुए ये बसपा वालों ने, इसका नाम वो कौन सा फूले वूले क्या है वो ज्योतिबा फूले नगर अपने जोर दिया था बहुत, तो मैंने उनसे कहा था मायावती हम अमरोहा के वासी हैं, है हमको इससे प्यार, हम अमरोहा के वासी हैं, है हमको इससे प्यार, इसका नाम बदल देने का नहीं तुम्हें अधिकार, और महाराष्ट्र के महापुरुषों का क्या मतलब है यहाँ से, वही लिखी है ना महाराष्ट्र के महापुरुषों का क्या मतलब है यहाँ से, अमरोहा के महापुरुष हैं, अमरोहा के आवाज। और कहता हूँ आज़ादी से लेके आज तक मुसलमान के दामन पर लगा नहीं है दाग कोई भी भारत से गद्दारी का, और गोपालियों का इतिहास मिटाने को बेता हो तुम, ताकि सिखाओ नई नस्ल को पाठ नया मक्कारी का। और एक बात और कहता हूँ कि मुसलमानों से खतरा ये अमन हो नहीं, मुसलमानों से खतरा ये अमन हो नहीं सकता, मुसलमान कोई गद्दारे वतन हो नहीं सकता, और लहू से जिसने सींचा हो चमन के जर्रे जर्रे को, उसी माली के सब में कुछ चमन हो नहीं सकता। किस धर्म के तुम अनुयायी हो, अनुयायी कहते हैं किस धर्म के तुम अनुयायी हो, तुम सबके लिए दुखदायी हो, तुम्हें राम भला हम कहते जाएं, तुम तो रावण के भाई हो। बच्चों का दांत ही ना, मैंने कहा था सब कुछ मजहबी शेर, और ये खासतौर से जो अपने दिल में कुछ लोग हमारे सुन्नी हजरात में ऐसे हैं जो इस मसले में मतलब सेवा करते हैं,
लेकिन ये गलत है। जो अपने दिल में हजरत आयशा से बुग्ज रखता है, जो अपने दिल में हजरत आयशा से बुग्ज रखता है, किसी भी हाल में वो शख्स मोमिन हो नहीं सकता। और खड़े हैं तुम्हें वो इल्ज़ाम कि कोई मौलवी अपनी गुनाह के अदाब दामन से तुम्हारे धो नहीं सकता। और एक बात एक कथा ये मैंने पहले किसी तुम हक को लेता है, वो अक्सर कहते हैं दस सिपाहियों का चीन बकरी के जो आपके भेजे में ऐसी बात कैसे आ गई, आपके भेजे में ऐसी बात कैसे आ गई जो के एहकाम खुदाबंदी को भी झुटला गई। और है मुहाफिज ता कयामत जिसका रब गुल जलाल, कैसे भी आया उसकी कोई बकरी खा गई। कहते ना कलाम पाक तो पाना कि नहीं पाना। गाली उमर को दी तो बनोगे जहन्नुमी, गाली उमर को दी तो बनोगे जहन्नुमी, तुम उम्र भर जलोगे कयामत की आग में, उनसे खुदा है राजी लिखा है कुरान में, जन्नत लिखी गई है सहाबा के भाग में। ये कुरान कहता है ना गाली उमर ने। अच्छा सहाबा के बारे में भी खबरें करते हैं क्यों, क्यों कहता हूँ मर्तबा सबका बराबर है तो फिर आप कैसे सबसे बेहतर हो गए। अली का बदल नंबर मर्तबा सबका बराबर है तो फिर आप कैसे सबसे बेहतर हो गए, उनके गुनाह कुरान हो जाने के बाद आप तो शैतान से बेहतर हो गए। एक बात यह हमारे यहाँ बहुत शबरात मनाई जाती है, और शबरात का मतलब कोई अक्सरे भी है शब कदर को है, लेकिन शबरात जो है ये इसके बारे में नहीं कहा। ये रात जिसको कहते हैं सब शबरात है, कहते हैं बख्शिशों को फजीलत की रात है, पूछो तो पहले किसकी विलादत का है ये दिन, ये बारहवें इमाम ज़माना की रात है। ये गजल अभी लिखी परसों हमसे पूछो ना हम जख्म कितने, हमसे पूछो ना हम जख्म कितने, अपने सीने पे खाए हुए दुश्मनों से नहीं हमको शिकवा, दोस्तों के तपाए हुए और दोस्तों ने बहुत हमको रोका और कहा ये तुम्हें देंगे धोखा, दोस्तों ने बहुत हमको रोका और कहा ये तुम्हें देंगे धोखा, तुम हसीनों से वाकिफ नहीं हुआ हम इन्हें आत्माए हुए। इनकी मासूमियत पे न जाओ, इनकी मासूमियत पे न जाओ, ये तो हैं बेवफा और शिकंदर, जख्म जितने भी हैं जितने मेरे सब इन्हीं के लगाए हुए हैं। हम पे तोहमत न दो जब हम पे तोहमत न दो तुम जफा की, तुमने कब लाज रखी वफा की, हम मगर बेवफाई तुम्हारी अपने दिल में छुपाए हुए हैं। रात बारिश में बिजली से घर कर लग गए थे जो सीने से आकर, चांदनी के निकलते ही हमसे कितनी दूरी बनाए हुए हैं, अपना दिल शाद अब हम करेंगे, अपना दिल शाद हम अब करेंगे, गैरों की अब गैरों की याद अब हम करेंगे, रास्ते बेवफाई के हमको सब तुम्हारे दिखाए हुए हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं सुनाऊंगा तो फिर अभी ये वैसे तो अभी मैं अभी थोड़ी देर के बाद अभी और लोग सुनेंगे, कुछ अपनी भोजपुरी फिल्म में है इधर आऊँ उसके गाने हैं और मुख्तलि जबानों के गाने हैं, तो ये मैंने पीरी नामा ये अभी लिखा है, ये गाँव की जबान में है। अच्छा समझाऊँ मैं तुम लोगों को, नहीं है ये औकात मेरी, सच ये है कड़वी लागेगी जो भी कहूँगा बात मेरी, क्यों गफलत में पड़ा है इतना, काम छोड़ दे ये गंदे, पान खड़ा है सब में बुढ़ापा,
होश में आ जाए बंदे, तेरी ये बदमाश जवानी हाथ में अब मिल जाएगी, जिस पर तू इतराए है बंदे वो काटी गल जाएगी, चंदिया पर जो बार है तेरे एक एक तक भर जावांगे, फूले फूले गालों में तेरे गड्ढे भर जावांगे, इंजर पिंजर होंगे ढीले एक एक दांत गिर जाएगा, चलना फिरना मुश्किल होगा आठ पर घोड़ा खाएगा, कल चलती थी तेरी हुकूमत आज राज है छोटू का, तेरी इस हालत के पीछे सारा खेल है नोटों का, जोरू बेटा पोती पोता सामना कोई आवेगा, जब लाज चलेगा बंजारा सब ठाट खड़ा रह जाएगा, दो दो के दो चार घड़ी फिर सब चुपके हो जाऊंगे, तो धोके दो चार घड़ी फिर सब चुपके हो जावांगे, देख चढ़ेगी चूल्हे पे और सब बिरयानी खावांगे, दो चार घड़ी फिर सब चुपके हो जावांगे, देख चढ़ेगी चूल्हे पे और सब बिरयानी खावांगे, तेरी माया बाट बूट के सहरे मौज उड़ावांगे, तेरी माया लूट लाट के सहरे मौज उड़ावांगे, तेरा शोक बनावेंगे क्या दूध जलेबी खावेंगे, बहुए हों या बेटे हों फिर कोई घास न घेरेगा, बहुए हों या बेटे हों फिर कोई घास न घेरेगा, जब ये बुढ़ापा आ जाएगा हर कोई आंखें फेरेगा, तूने महल जायदाद बनाए, तूने महल जायदाद बनाने में ही जीवन काटा है, आज तेरी किस्मत में प्यारे खबर का ये सन्नाटा है, अब भी टेम है होश में आ जा, याद खुदा को कर ले तू, अब भी टेम है होश में आ जा, याद खुदा को कर ले तू, ने कमल की बांध के गठरी अपने भीतर धर ले तू, अब खास तौर से मकता पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे काम ही काम आएंगे, काम जो तू कर जावेगा दावा है दिलशाद ये मेरा एक दिन तू मर जावेगा, अच्छे काम ही काम आएंगे, काम जो तू कर जावेगा दावा है दिलशाद ये मेरा एक दिन तू मर जावेगा, सच्चाई है साहब, बिल्कुल सच्चाई, बस आप बहुत